Dans cet accélérateur de particules, nous accélérons les particules, les protons, à une vitesse proche de celle de la lumière et nous faisons se percuter à très haute énergie pour produire d'autres particules que nous étudions dans les détecteurs. C'est après oui, c'est pour accélérer ces particules, les protons, de 1,9 Kelvin, c'est-à-dire environ 300 degrés en dessous de la température ambiante. प्रोटोटाइप करके बीच में रखा था, कट करके ओरिजिनल 100 मीटर्स डाउन नीचे. अच्छा, नो नो नो, एक्चुअली में ऐसा ही था पूरा फ्रांस से लेके सब जर्मनी. बट दैट वुड बी बिगर. या बिगर, 27 किलोमीटर्स लॉन्ग है अभी. दिस वन इज लाइक सैंपल दैट्स इन वी विल ट्रांसलेट इन इंग्लिश एंड सो. Buongiorno, io sono Mirko, sono italiano, lavoro a Ferra da 13 anni. Studiato fisica all'Università di Milano. Vi parlerò oggi della conoscenza della cacciopatia. Sono monitoring. Sensor setup controls था सब कुछ. इंडिया से मैग्नेट्स आए थे और एक्स्ट्रा पार्टिकल्स को कैच करने के लिए ऑब्जर्व करने के लिए. बेसिकली हर जगह जाके वो डिटेक्ट हो रहा था. चार पॉइंट्स CMS में गया, वहाँ पे अप्रोचिंग, वहाँ पे भी फायर हुआ, तो सब जगह मॉनिटरिंग के लिए रखा हुआ था. वो फायर होने के बाद फिर आया यहाँ पे LHC, यहाँ पे भी डिटेक्ट हुआ और फिर मशीन के द्वारा ये लोग पार्टिकल को आइडेंटिफाई करे थे. फिर एटलस के पास गया, वहाँ पे भी डिटेक्ट हुआ. ऐसे ही होता है बेसिकली. दिस इज़ हाउ इट वर्क्स. सो डिफरेंट डिफरेंट मतलब चार जगह पे CMS, LHCV और एटलस के पास इतना तेज़ी से ट्रेवल करता है वो. और ये सब जगह ऐसा ऐसा ऑफिस का सेटअप था जस्ट टू कैप्चर दैट पार्टिकल वाइल कोलाइडिंग. क्रैस्टट, विलोस, हेलियम पाइप, टाइटेनियम केबल, ज़िन पाइप. बताएगा उसको उनके. कीप द मैग्नेट्स कोल्ड. क्रैस्टट इंडिया से ही गया था सारा मैग्नेट्स जिसमें था ना, वो मैग्नेट्स सब इंडिया से गए. इसका पढ़ोगे तो पता चलेगा क्या फंक्शनैलिटी है. लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स और कोल्ड बाई लिक्विड हेलियम 1/9 होगी. तो क्रैस्टट कौन सा हुआ हम लोग का, वो वाला मैग्नेट, वो वाला पीछे वाला पार्ट. अभी अभी हम लोग देख रहे हैं ये बेलोज, बेलोज ये वन मैग्नेट का कुल दे कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मली 15 मीटर्स लॉन्ग ठंडा होता था. ईच मैग्नेट स्ट्रिंग्स दो 4/1. एक बार क्या हुआ था ना, हाइड्रोजन लीक हो गया था. लीक हो गया था, पूरा ठंडा हो गया था, पूरा लंबा एक डेढ़ एक साल लगा था मेंटेनेंस में, पूरा फ्रीज हो गया था. एंड जिस दिन ये वाली, चलो वो स्टोरी बाद में बताते हैं. 30,000 किली मैग्नेट इज हेल्ड स्टेशनरी. ये जो मैग्नेट सब आया था ना, सब इंडिया से आया था. फिर हेलियम पाइप,
ये पाइप क्या करता है? सुपर फ्लूइड हीलियम 1.9 डिग्री अबव एब्सोल्यूट जीरो 300 डिग्री बिलो रूम टेम्परेचर अब ठंडा रखेंगे क्योंकि गर्मी जनरेट होगा ना वो जब कोलाइड करेगा तो टाइटेनियम भाई बहुत महंगी केबल है ये टाइटेनियम की है इस केबल का 13,000 एमपीएस वही है ना भाई देन वी हैव समथिंग इलेक्ट्रिक कनेक्शन के लिए मैग्नेट एनालाइजर ठीक है डायोड था रिमूविंग द करंट तो ये है यहाँ पे दुकान के We have 1,232 dipoles and about 400 variables which are focusing the beam. And they are helped by more than 6,000 corrector magnets which are basically correcting the imperfections of the main magnets. Kazakhstan is a place where different people from different cultures, different countries are working together. We have also activities which are out of our normal working hours, linked often to clubs, which are part of CERN. We have a lot of clubs for sport, for culture, for music, for many different things. For example, when I came here, I learned here in the ski club. Today, I am not only a member of this club, as many, many people at CERN, I think that each of us is a member of a club at least. But I'm dipole magnet. वही ताकि पार्टिकल्स इधर उधर ना जाए मतलब फोकस करने के लिए अगर थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो रहे हैं यस इन द बीम पाइप यहाँ पे है ना हर इंस्ट्रूमेंट के पीछे बहुत मतलब लॉजिक है insulation. In the integrated number of collisions that we've delivered for the experiments, which is a course of common celebration. And we come together for a glass of champagne in the control room, and you can see the results of this lined up behind me in the champagne bottles that run out through run one. This is 5 years, so we're not drinking every day.
into the start of run 2. This is a bit of... Oh, yeah, you can't be done. You do damage, you can do... Damage for the frozen hydrogen. No, but there's conditions here. Sure. Maybe it's maybe ye bada sa ye CMS sara center ka dikha raha ye char center tha na LSD Atlas CMS aur aisa karke char point wahan ka ye sab dikha raha magnet wagera jo जहाँ पे कोलाइडर वगैरह जो जा रहा है ना मॉनिटरिंग के लिए ये पार्टिकल्स फ्लो हो रहे हैं दोनों के बीच ग्रीन जो छोटा सा है वो एक्सेलेरेट होना शुरू होता है सेम माइनर इज 10,000 टन ऑफ आयरन दैट्स मोर देन 10 टाइम्स एफिल टावर ये जो पार्टिकल जब टकराया तो ऐसा ऐसा डिफरेंट डिफरेंट बट लेकिन अच्छा है मतलब डिटेल्ड में लग रहा है अच्छे से देखना आपको अरे बाबा देखो ये ओरिजिनल कोलाइडर है यहाँ एक फोटो बनता है तो हम यहाँ खड़ा हो रहे हैं कितना सारा चीज लगा हुआ है इसको बनाने के लिए सी हो गई है केस 10 टाइम एफिल टावर एक सीएमएस सेंटर जो था ना ऐसे ही हाँ जितना आयरन इसमें लगा है यहाँ पे समझ में आएगा इंग्लिश में क्यों नहीं जा रहा है आई वांट टू चेंज इंग्लिश ओके नेक्स्ट एवरी पार्टिकल पासिंग थ्रू अच्छा आइडेंटिफाई करने के लिए उसको पकड़ने के लिए ठीक है ये हमारा ये जो चैम्बर था दिस डिटेक्टर इज पार्ट ऑफ एलिस एक्सपेरिमेंट टेम्परेचर चैम्बर TFEC ओके रिकॉर्ड द थाउजेंड ऑफ ट्रैक्स चार्ज पार्टिकल स्प्रेइंग ऑन द कोलिजन ओके ओके जो कोलिजन के बाद स्प्रे होता था ना तो इसी से डिटेक्ट करता था हमने पार्टिकल्स को बहुत खतरनाक है यार ओके नेक्स्ट ये है हमारा LSCB में अच्छा चार जो सेंटर था ना सब में अलग अलग डिटेक्टर लगाया था लोग ये LHC में लगाया था सॉरी CMS में लगाया था जो पिछला वाला देखे ये वाला और ये जो अभी देख रहे हैं ना ये रुक जाओ बैक जाओ भाई जी दिस इज LIS में लगाया था ये वाला डिटेक्ट करने के लिए LSC में ये अभी और एटलस में CMS का नहीं है शायद हाँ CMS का अलग होगा तो अलग अलग है सबको पार्टिकल्स को डिटेक्ट करने के लिए कितना इंजीनियरिंग लग रहा है भाई स्टार्ट ये वर्ल्ड के बेस्ट ब्रेन्स लगे हैं इसमें
And who knows, universe ke best brain bhi lage ho. We don't know actually. Ah, see, this one. This one is, I think, and this one is for someone called LIC Atlas. Wow, just look at it. Super. के लिए था वो न्यून डिटेक्टर्स है एंड हाँ दिस आर लाइक डेटा रिकॉर्ड करने के लिए हार्ड ड्राइव्स पे गाइस गुड थिंग टू नोट ये देखो फॉर एक स्टोरेज टेक ठीक है ये इम्पोर्टेंट है अपने लिए अच्छा कितना यूज़ किया था पता है 50,000 ऐसा टेक केवल कितना दिन का 2005 से 2014 के बीच में 7 ईयर में इतना डेटा बट एक साल का कलेक्ट करने के लिए शायद ऐसा किया था LSC के एक्सपेरिमेंट ऑल डेटा पास थ्रू यहाँ पर डेटा कैसे कलेक्ट होता था जैसे जैसे पास होता था ना डेटा सेंटर में यहाँ आकर कलेक्ट होता था ग्रिड में और सारा का कनेक्शन भी देखो ऐसा जो है ना वायर ही सब येलो वायर सब सारा सेंटर से ऐसे ही कनेक्टेड था डेटा सेंटर से सी द वायरिंग या सी द वायरिंग है ना फिल्टर भी किया था कौन काम लायक है कौन नहीं है देखो ये वर्ल्ड वाइड वेब का इन्वेंशन हुआ था एलेक्सा कंप्यूटर ग्रिड WWW यूज करता है ना यही इसी लैब से नॉर्थ हां यस 1989 इट वाज इन्वेंटेड इन सेवन लैब तो इन्होंने बहुत कुछ दिया है इस वर्ल्ड को एक्चुअली अभी भी कुछ कुछ अननोन हिस्ट्री है यहाँ पे अभी बहुत सारा चीज़ है हमारे पास सॉल्यूशन बट दे आर नॉट रिवीलिंग दे आर स्टिल डूइंग सम रिसर्च दिस इज द रियल वर्ल्ड CERN. Io spesso non passo tutto il mio tempo al CERN, sono spesso negli istituti in Francia e nel passato stavo a Milano, per esempio, lavorando sulle stesse cose. Questa è una delle cose grandi, belle, geniali di collaborare. Higgs boson Babat è na, unica theory, 40 years me pahle wo likhe the, theek hai? आई थिंक ये दाढ़ी वाले बाबा हैं हिग्स बोसन इनके साथ बोसन जो थे ना अपने जगदीश चंद्र बोस या कुछ नाम भूल रहे हैं कोई बंगाली साइंटिस्ट थे कि दे प्लांट इनका हिग्स नाम था और वो बोस थे तो हिग्स बोसन करके एक पार्टिकल का फील्ड का एक एनर्जी का मतलब वो लोग डिटेक्ट थ्योरेटिकली लिखे थे 40 ईयर्स में उसी थ्योरी पे ये रिसर्च किया गया एंड आफ्टर 40 ईयर्स ऑफ रिसर्च इट वॉज अल्टीमेटली आइडेंटिफाइड एंड वेरीफाइड तो ये रिसर्च इन्हीं के थ्योरी के बेसिस पे कंडक्ट किया गया पता करने के लिए कि हमारा कैसे ओरिजिन हुआ कितनी खुशी होती होगी ना इनको कितनी खुशी होती होगी कि उनका रिसर्च ऐसे लाइव उनके सामने तो इनको नोबेल शायद प्राइज मिला था उसके लिए और ये लोग हम डॉक्यूमेंट्री देखे हैं इसलिए बता पा रहे हैं कुछ और रिसर्च करना पड़ेगा ये लोग शायद सेलिब्रेट किया था जब अनाउंसमेंट हुआ